नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप अरबपति बनने वाले हो। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह है, ये साइने हैं, तो आप जीवन में अवश्य अरबपति बनेंगे। अरबपति बनना और बनके दिखाना, वो हाथ में कहां पर साइन होती है, मैं आपके हाथ में वो साइन दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के स्तर को बताती है, हमारे फैमिली रिलेशन को बताती है, हमारे सेहत के राज को बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, हमारे विचारों को बताती है। हमारे विचार कैसे हैं, कितने गहरे विचार तक हम अपनी बात को सोचते हैं, उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हमारे स्वभाव के बारे में बताती है, हमारी प्रेम संबंध के बारे में बताती है, हम एक दूसरे के कितने पूरक हैं। आज हमने अरबपति की बात की है। अरबपति जीवन में अगर आपके हाथ में है तो ये चिन्ह अवश्य बनेंगे। उसके पहले हाथ के अपने मुख्य पर्वतों को देखना चाहिए। अगर आपका ये बुद्ध का पर्वत, आपका गुरु का पर्वत, आपका चंद्रमा का पर्वत और आपका शुक्र का पर्वत उन्नत है, उठा हुआ है, पावर में है, ऐसे लोग जीवन में वैसी जंग जीत जाते हैं। कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाती है। अगर सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं तो ये अपने मरकरी के पार्ट को देखते हैं, मरकरी के क्षेत्र को देखते हैं, मरकरी की फिंगर को देखते हैं। मरकरी बुद्ध बोलने की चतुरता को बताती है, बोलने की कला को सिखाती है। अब ये मरकरी का जो अगर फिंगर है सन रेखा से बड़ी हो जाए, पहले पोर से बड़ी हो जाए, तो ऐसे लोग देखे जीवन में वैसे भी जंग जीत लेते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इनको बात करने का जो तरीका होता है ना, नए नए तकनीक लेके आते हैं, नई नई बातों को लेके जन्म देते हैं। ऐसे लोगों को व्यवसाय और बिजनेस करने की कला भरपूर होती है। और ये बुद्ध की फिंगर बड़ी होती है तो ऐसे लोगों को देखे तो जीवन में कभी हार नहीं मानते। किसी भी व्यवसाय को लेके जीवन में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इसी के पर्वत के ऊपर यहां पर स्टार बन जाए, ये स्टार बन जाए। स्टार क्या करता है, पर्वतों के गुणों को बढ़ा देता है, ताकत दे देता है। लेकिन यहां पर व्यवसाय के क्षेत्र में ताकत देगा, बिजनेस के क्षेत्र में ताकत देगा, नए नए तकनीक के क्षेत्र में ताकत देगा। और एक के साथ अगर ये और स्टार बन जाए, ऐसे लोग जीवन में कुछ नया करते हैं, नया मुकाम हासिल करते हैं। अगर बुध का कनेक्शन कहीं सन के साथ जुड़ जाए, ये सन की फिंगर है, सीधी हो और सन का माउंट भी उठा हो, ऐसे लोगों की ताकत होती है। क्या ताकत, देखने की ताकत, एनर्जी की ताकत, दूर की दृष्टि रखने की ताकत होती है। ऐसे लोग जीवन में एक रोशनी की तरह, उजाले की तरफ प्रकाशित होते हैं। और इसी के ऊपर एक सन की रेखा हो और सन की रेखा के साथ एक बुध की रेखा, बुध के कनेक्टिविटी जुड़ जाए, ऐसे लोग जीवन में बिजनेस के, व्यापार के दम पर एक नेम फेम प्राप्त करते हैं, एक मुकाम हासिल करते हैं। और इसी सन के माउंट के ऊपर, सन के फिंगर के तीसरे पोर पे, अगर हम तीसरे पोर पे देखें, यहां पर एक पतली सी फिश साइन बननी चाहिए, फिश साइन। ऐसे लोग जीवन में व्यवसाय के दम पर इतने ऊंचाइयों को हासिल करते हैं, अपने बिजनेस की इसी क्षेत्र के ऊपर
एक दिन वो अरबपति तक पहुंच जाते हैं, अरबपति में शुमार हो जाते हैं। और इसी के ऊपर अगर एक वर्गाकार बन जाए, ये वर्गाकार हमेशा नेशनल इंटरनेशनल फेम देता है, और ये इंटरनेशनल फेम उसी को मिलता है जो बड़े व्यवसाय करते हैं या बड़े कारोबारी होते हैं। और यहां पर अगर एक फेम की रेखा बन जाए, ये फेम की रेखा है, ऐसे लोगों के जीवन में तो फेम अवश्य मिलता ही मिलता है, लेकिन ऐसे लोगों का व्यवसाय जितना ये बड़ा होगा, ये जो वर्गाकार है उतने बड़े पद की बात करता है, उतने बड़ी प्रतिष्ठा की बात करता है, और अधिकारियों में अगर बेशुमार करता है तो बड़े पोस्ट की बात करता है। और ऐसे लोगों को अगर देखें, कई लोग बिजनेस के दम पे किए, कई लोग अपने प्रॉपर्टी को या उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, तो मंगल के क्षेत्र को देखते हैं, ये मंगल का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है, इसको हम मंगल का पर्वत बोलते हैं, मंगल का पर्वत। मंगल के पर्वत के ऊपर एनर्जी को बताता है, पावर को दिखाता है, और मंगल भूमि भवन का कारक माना जाता है, और जमीन से जुड़े कारोबार ऐसे लोग करते हैं तो जीवन में ऊंचाइयों पर अवश्य पहुंचते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप देखें तो इसी क्षेत्र पे, मंगल के क्षेत्र पे स्टार बना हो, स्टार मंगल के रेखा के ऊपर ना हो, मतलब इंडिपेंडेंट अलग से हो, ऐसे लोगों को जमीन का कारोबार करके जीवन में उसी को व्यवसाय को बढ़ा के जीवन को अपनी पटरी पे लाते हैं, और जीवन में प्रॉपर्टी का काम करके, जमीन से जुड़े कारोबार करके, और ये मंगल का क्षेत्र यहां पे है। अगर ये यहां पे पतली सी फेस साइन बन जाए, जीवन में अवश्य अरबपति बनते हैं, ऐसे लोगों का जो व्यवसाय होगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड के ही कारोबार से ऐसे लोग जीवन में अरबपति बनते हैं। और अगर एक रेखा सन की यहां पे भी मंगल को देखें तो जीवन में ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा गेन भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।